लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। क्या ऐरोली में बन रहे नाट्यगृह के नाम पर शिवसेना और बीजेपी नेताओं में श्रेय लेने की होड़ मची है? क्या नाट्यगृह निर्माण की आड़ में शिवसेना के स्थानीय नेता और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे राजनीति कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि जिस नाट्यगृह का शिलान्यास हफ्ते भर पहले पूर्व पालक मंत्री और स्थानीय बीजेपी विधायक गणेश नाइक कर चुके थे, उसी नाट्यगृह का पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने दोबारा भूमि पूजन किया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एक ही वास्तु का दो बार शिलान्यास करने की जरूरत भला क्या थी? देखिए रिपोर्ट। संदीप नायक ने 30 लाख रुपया इस नाट्यगृह के लिए उस टाइम में अनाउंस किया था और आज मैं यहाँ पे आया हूँ सब कार्यकर्ताओं के साथ में, तो मैंने मेरे आमदार फंड से 25 लाख का इस नाट्यगृह के लिए अनाउंसमेंट किए हैं। काम होना चाहिए। कल जाके ने बोला कि मैंने किया तो करने से बोलते बोर्ड लगा है तो अनाउंसमेंट कर रहे तो उनको लखला। लेकिन शिवसेना क्रेडिट लेने के लिए काम नहीं करती। हमारे शिवसेना प्रमुख जी ने हमें ये नहीं सिखाया है। हमें लोगों को जो हित की बात है वो हम करते हैं। तस्वीर में दिख रहा यह नवम्बई का ऐरोली नाट्यगृह है जो दो पालक मंत्रियों के वर्चस्व की आपसी लड़ाई में एक बार फिर विवादों में घिर गया है। 7 दिनों पहले इस नाट्यगृह का बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने भूमि पूजन किया था और जल्द निर्माण के लिए 25 लाख की विधायक निधि देने की भी घोषणा की थी, लेकिन यह बात स्थानीय शिवसेना नेताओं को पसंद नहीं आई। उन्होंने पालक मंत्री एकनाथ शिंदे को बुलाकर परसों इस नाट्यगृह का दोबारा शिलान्यास करवा दिया। जाहिर है हफ्ते भर में एक ही वास्तु का दो बार भूमि पूजन होना राजनैतिक वर्चस्व की लड़ाई का खुला संकेत देता है। बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। उसका कहना है कि जब 8 सालों से लंबित ऐरोली नाट्यगृह का निर्माण पूरा होने वाला है तब शिवसेना नेता और उसके मंत्री इसका श्रेय लेना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने नाट्यगृह का दोबारा भूमि पूजन कराया। फिलहाल नौबत यह है कि आरोपों में घिरे शिवसेना नेता और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे को खुद सफाई देनी पड़ रही है। पालक मंत्री बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत और राजनीति का हवाला देकर खुद को श्रेय से अलग बता रहे हैं। यकीन नहीं आता तो खुद सुन लीजिए। आम्ही लपून छपून उद्घाटन केलेले नाही, आम्ही हे अधिकृत उद्घाटन केले आणि बाकायदा या भागातल्या ज्येष्ठ नागरिक जे आहेत 5 त्यांच्या शुभहस्ते केले। शेवटी हा उपभोग जो आहे इथल्या लोकांना घ्यायचा आहे, त्यामुळे तुम्ही ठरवा। श्रेयवादासाठी आम्ही केलं का लोकांसाठी केलं? बाळासाहेबांनी दिगे साहेबांनी हे आम्हाला शिकवलेलं नाही। ज्यांनी ज्याचं काम त्यांनी श्रेय घ्यावं, परंतु श्रेयासाठी प्रकल्प रखडवा हे चुकीचं आहे। आणि याच्यामध्ये श्रेयवादापेक्षा आपल्या वैयक्तिक स्वार्थापेक्षा लोकांचं हित आपण जोपासायला पाहिजे। बताना जरूरी है कि ऐरोली नाट्यगृह के निर्माण की संकल्पना सबसे पहले वर्ष 2010 में तत्कालीन विधायक संदीप नाइक ने सामने लाई। वाशी के विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम की तर्ज पर ऐरोली नाट्यगृह का निर्माण हो इसके लिए संदीप नाइक ने 30 लाख की विधायक निधि देते हुए तत्कालीन सीएम अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान के साथ ही सिटको उच्चाधिकारियों से भूखंड हासिल किया। वर्ष 2014 के बाद भूखंड आवंटन हुआ और वर्ष 2017 से निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत हुई, लेकिन तकनीकी कारणों से रास्ता अब साफ हुआ। तब 29 अगस्त 2021 को स्थानीय विधायक गणेश नाइक ने इसका भूमि पूजन किया। उम्मीद थी कि अब नाट्यगृह का सपना जल्द साकार होगा, लेकिन 3 सितंबर को दोबारा शिलान्यास करते हुए पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने जिस तरह बीजेपी विधायक के शिलान्यास को छुप कर किया गया और अवैध बताया, जबकि खुद के भूमि पूजन कार्यक्रम को सरकारी और आधिकारिक बताया, जबकि सच्चाई ये है
कि गणेश नाइक ने जब शिलान्यास किया तब दर्जनों मीडिया और सैकड़ों लोग मौजूद थे। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी विधायक के हाथों किया गया शिलान्यास अवैध और गैर आधिकारिक क्यों और कैसे हो गया? तो क्या अब सत्तारूढ़ दल के मंत्री हर उस प्रोजेक्ट का दोबारा शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे जिसकी शुरुआत बीजेपी नेताओं ने की है? अगर नहीं तो फिर पालक मंत्री को ऐसा बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? नाट्यगृहाचं काम सुरू झालेलं आहे, कारण हे अधिकृत भूमिपूजन आहे, हे अनधिकृत नाही, लपून छपून केलेलं नाही। हे याच्यावर पूर्णपणे त्याची प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्कामोर्तब करून आज गेले अनेक वर्षापासून, जे 2014 पासून एका चांगल्या वास्तूला या भागातल्या जनतेला वंचित ठेवलं होतं, तो दिवस आज संपलेला आहे, नवीन आपल्याला पर्व सुरू करायचं आहे। गौरतलब है कि इससे पहले जानकी बाई मढ़वी सभागृह के उद्घाटन को लेकर भी शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ गए थे। अब नाट्यगृह के नाम पर टकराव पैदा हो गया है। फिलहाल बीजेपी नेता और महापौर जयवंत सुतार ने इसके लिए शिवसेना नेताओं की नियत और भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऐरोली नाट्यगृह तत्कालीन विधायक संदीप नाइक के विजन और संकल्पों के कारण साकार हो रहा है, जिसके लिए वे 10 सालों से प्रयासरत रहे हैं। इसमें शिवसेना नेताओं की कोई भूमिका ही नहीं है, फिर भी वे श्रेय लेना चाहते हैं जो उचित नहीं है। मुझे पता चला कि कल परसों सत्ताधारी पक्ष के नगर विकास के मंत्री महोदय इनके उपस्थिति उद्घाटन करें, ये नहीं। हमारा मराठी में कहावत है, आयत्या बिलावर नागोबा। इस तरीके से कोई भी उधर क्रेडिट लेना चाहता है वो गलत है। लगातार 2010 से 2017-2021 तक हर मीटिंग में एक काम के बारे में या काम का प्रोग्रेस के बारे में पूछता था। वो ये भी ऐसा नहीं है क्या, ये कोई बोल रहा है क्या जानबूझ के 2014 से 5 साल काम रुकवाया गया? वो काम रुकवाया गया नहीं, वो ये उद्घाटन किया इसका मतलब तुरंत नारियल तोड़ा तो निर्माण हुआ ऐसा नहीं है। इसलिए कि कोई भी श्रेय लेता है ये गलत है। मैं यही कहता हूँ कि ये नया मुंबई शहर में जो भी सुविधा निर्माण करने का काम आदरणीय गणेश जी नाइक साहब के माध्यम से हुआ है और संदीप जी नाइक का इनके भारी योगदान है, ये मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 India।